आज की वीडियो में हम एक और ऐसे गेम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं थे, वो किसी बड़े पब्लिशर या डेवलपर की टैग के साथ नहीं आता, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। मैं बात कर रहा हूँ ग्रैनी की, एंड आपको 10 रीजंस बताऊंगा कि क्यों ये गेम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। क्योंकि आप देखोगे कि इसे बनाया है डेवलपर यानी कि डेनिस वुकोनोविक नाम के बंदे ने, जो कि इंडी डेवलपर है, और उस अकेले ने इतना सक्सेसफुल गेम बना दिया। तो इससे ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड बस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आपको बता दूं कि इंडिया में पॉपुलर होने से पहले बाहर बहुत पॉपुलर हुआ था, जहां इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन था इसकी परफेक्ट लॉन्च टाइमिंग। जब ये 2017 में लॉन्च हुआ था, तब यूरोप और यूएसए में हॉलीडे सीजन जस्ट स्टार्ट ही होने वाला था। उस टाइम ज्यादातर टीनेजर्स फ्री थे एंड घर पे बैठे थे, और उसी टाइम आया ग्रैनी। डेवलपर ने ऑलरेडी कुछ गेम्स निकाल रखे थे पास्ट में, एंड उसकी कुछ ऑडियंस बनी हुई थी। जब लोगों ने इसे खेलना शुरू किया तो उन्हें बहुत पसंद आया, कुछ ने अपने दोस्तों को रिकमेंड किया, तो कुछ ने इस पे वीडियोस बनानी शुरू कर दी, एंड ऐसे हुआ ये पॉपुलर। मतलब डेवलपर को इसकी मार्केटिंग के लिए एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि उसने कंटेंट क्रिएटर्स को पूरी फ्रीडम दे दी कि जैसे खेलना है खेलो, मॉड्स इंस्टॉल करने मॉड्स इंस्टॉल करो, बनाने बनाओ, कोडिंग से फेर बदल करनी है करो, और उसी के चक्कर में गेम बहुत पॉपुलर हुआ। फिर इसका गेम प्ले बहुत सिंपल है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी आपको। बहुत से गेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें खेलने के लिए ना बहुत पहले समझना होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर आप उन गेम्स को कुछ टाइम तक ना खेलो तो उसके कीज ही भूल जाते हैं, देन की बाइंडिंग्स में जाकर दोबारा देखनी पड़ती है, वरना कुछ में तो ऐसे स्पेशल अटैक्स या फीचर्स को यूज करना भी सीखना पड़ता है, और अगर कुछ टाइम ना खेलो तो वो भी भूल जाओगे। लेकिन ग्रैनी के साथ ऐसा कोई झंझट नहीं है, ये एक सिंपल सा गेम है। जब ग्रैनी के घर में जगते हो, 5 दिन आपके पास वहां से एस्केप करने के लिए, जिसके लिए आपको घर में अलग अलग आइटम ढूंढनी होंगी और उन्हें सही जगह पे लगाना होगा, और फिर आप वहां से निकल पाओगे। ऑब्वियसली ग्रैनी आपको परेशान करेगी। और ये गेम अपने आप में काफी यूनिक भी है, क्योंकि डेवलपर ने अपने गेम्स का अलग ही स्टाइल सेट किया हुआ है, जो किसी और गेम में इतना नहीं मिलता देखने को। वो बात अलग है कि ग्रैनी की सक्सेस के बाद अब ऐसे बहुत सारे गेम्स आ गए हैं मार्केट में। नेक्स्ट रीजन है इसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि पहली बात तो ये फ्री है, एंड दूसरी बात ये मोबाइल पे अवेलेबल है। इसकी वजह से आपको इसे खेलने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, बिल्कुल फ्री में खेल सकते हो। ऊपर से इंटरनेट भी बंद कर लो क्योंकि कनेक्शन की चिंता नहीं है, और बिना हेड्स के भी खेल सकते हो। फिर ये पीसी एंड मोबाइल दोनों पे अवेलेबल है, और मोबाइल में भी ऑन बोथ iOS एंड एंड्रॉयड। इसके अलावा कोई हाई एंड मोबाइल भी नहीं चाहिए, ना ही पीसी चाहिए, बल्कि आपके पास जो है ये उसी में चल जाता है, और साइज भी 100 MB से कम है। मतलब इससे अच्छी बात क्या ही होगी किसी गेम के लिए कि उसका साइज भी कम है, चल भी आसानी से जाता है, और खेलने में भी अच्छा है, इसलिए ग्रैनी इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। ग्रैनी की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन है कि स्ट्रीमर्स ने इसे बहुत पॉपुलर किया है, मतलब स्ट्रीमर्स खुद इससे भी पॉपुलर हुए हैं। ऐसे समझ लो कि स्ट्रीमर्स और गेम दोनों एक दूसरे की वजह से बहुत पॉपुलर हुए हैं। बेसिकली कोई हॉरर गेम खेलते वक्त ना स्ट्रीमर के रॉ इमोशंस बाहर निकलते हैं, कोई और गेम में तो वो शायद वो स्क्रिप्टेड कमेंट्री कर ले, लेकिन हॉरर में ऐसा नहीं होता, और यही चीज़ हमें इतनी ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि सामने वाले को डरते हुए देखना काफ़ी फनी और रिलेटेबल लगता है। जब ग्रैनी अचानक से दस्तक देती है तो जो स्ट्रीमर का डरा हुआ चेहरा होता है ना, वो रिएक्शन देखने लायक होता है, और कुछ स्ट्रीमर्स का तो जंप स्केयर इतना एपिक होता है कि खुद भी खेलने का मन कर जाता है। इवन आप देखोगे कि ग्रैनी है तो छोटा सा ही गेम जिसे लोगों ने कंप्लीट कर ही रखा होगा, फिर भी हमें इतने डिफरेंट स्ट्रीमर्स की वीडियो देखनी पसंद इसलिए है क्योंकि सबका डिफरेंट रिएक्शन होता है। टेक्नो गेमर्स का अलग होगा, विजवर्शिप का अलग होगा, मिथबैट सेम हॉरर सीन्स पे अलग से रिएक्ट करेगा। इन सभी के डिफरेंट रिएक्शंस देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है। अब मैंने अपनी माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी वाली वीडियो में भी बताया होगा कि अगर किसी गेम को यहां पॉपुलर करना है ना, तो उसे स्ट्रीमर से खेलवाओ, और मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए और फ्री भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस गेम के पॉपुलर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हाँ, ऑब्वियसली गेम प्ले भी अच्छा होना ही चाहिए, वरना स्ट्रीमर उसे एक बार से ज्यादा नहीं खेलेगा। देन इस गेम में भी मॉड्स काफ़ी हैं, मतलब शायद नॉर्मल पब्लिक के मतलब के ना हो, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से तो बहुत मॉड्स हैं। मॉड्स की मदद से लोग क्रेजी क्रेजी चीज़ें बना देते हैं ग्रैनी के अंदर, मतलब 100 ग्रैनी डाल के खेल रहे हैं, या ग्रैनी की जगह पबजी का करेक्टर डाल दिया। मतलब डेवलपर ने भी पूरी फ्रीडम दे रखी है कॉन्टेंट क्रिएटर्स को कि जो करना है करो गेम के साथ, इसे बस मज़ेदार बना दो। इस गेम के अराउंड स्टोरीज भी बहुत बनी है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। ग्रैनी के गेम्स में हमें ये तो पता ही है कि करेक्टर जो है ग्रैनी के घर में फंसा हुआ है, पर वो वहाँ कैसे फंसा, ग्रैनी ऐसी कैसे बनी, ये घर कहां है, और ऐसी जो बहुत से सवाल है ना, इन सबके जवाब हमें नहीं पता क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट स्टोरी नहीं बताई गई। बस गेम में जगह जगह हिंट्स मिलती हैं, जैसे कि पिछले बंदे का लेटर मिल जाएगा या फिर ऐसा ही कुछ, एंड इन लूज हिंट्स को कनेक्ट कर करके लोग अपनी खुद की स्टोरीज बनाते हैं, जो कि शायद ओरिजिनल स्टोरी पता होने से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूट्यूब पर आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी जिनसे फर्क नहीं पड़ता कि वो रियल है या नहीं, लेकिन सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चिल्स आ जाते हैं उनको सुन के। फिर ग्रैनी के घर में ऐसी बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें भी पड़ी होती हैं जिनके अराउंड लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर चेयर यहां पे क्यों है, या फिर ऐसे ही कुछ, और ऐसी अपनी थ्योरीज बनाने लगते हैं सब लोग।
फिर इसकी सक्सेस का एक बड़ा फैक्टर है इसका हॉरर गेम प्ले। हॉरर गेम्स जनरली लोगों को यहाँ ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि इसका गेम प्ले सरप्राइजेस से भरा होता है एंड आपको स्केरी मोमेंट्स बहुत मिलते हैं। इवन अगर आप इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को देखोगे तो हॉरर गेम्स यहाँ पे बहुत चले हैं, जैसे कि कैरी मिनाटी पहले बहुत सारे रेजिडेंट ईविल के गेम्स एंड हॉरर गेम्स खेला करता था एंड वो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और ग्रैनी में जो अनएक्सपेक्टेड सी चीजें होती रहती हैं वो इसे बहुत स्केरी बना देती हैं। अगर आप पहली बार खेल रहे हो तो आपको नहीं पता कि अचानक से स्पाइडर निकल के आ जाएगी, या आपने गेट खोला और चैन की सांस ली कि अच्छा ये खुल गया गेट, पर पीछे मुड़ के देखा तो ग्रैनी खड़ी है। यही स्केरी चीजें गेम को बहुत ज्यादा एक्साइटिंग बना देती हैं। अब इसे खेलने का कोई एक तरीका नहीं है बल्कि मल्टीपल वेज है। ऐसा नहीं कि जैसे आपने गेम को कंप्लीट किया है वैसे आपके दोस्तों ने भी किया होगा, हो सकता है दोनों ने बिल्कुल अलग तरह से गेम खेला हो, दोनों के एस्केप रूट्स बिल्कुल डिफरेंट हो। ऊपर से आप खुद गेम खेलने के बाद इसकी ऑनलाइन वीडियोस देखना पसंद करते हो क्योंकि आपको इंटरेस्ट आता है कि इस बंदे ने कैसे खेला होगा, कौन सा रास्ता चुना होगा या कैसे एस्केप किया होगा। इवन यही एक रीजन है आपके इस गेम को दोबारा खेलने का, क्योंकि अगर आप एक बार एस्केप करते हो देन आपके मन में आता कि यार इस बार दूसरा रूट ट्राई करूंगा, या फिर अगर सारे रूट्स ट्राई कर रखे हैं तो इस बार हायर डिफिकल्टी पे खेलूंगा, ऐसे स्पीड रन करने की कोशिश करूंगा। कभी कभी तो ऐसी हिडन थिंग्स मिल जाती हैं जो पहली बार खेलने में नहीं मिली थी, तो इसलिए अगर किसी बंदे ने इस गेम को एक बार कंप्लीट कर भी लिया तब भी वो इसे आसानी से अनइंस्टॉल नहीं करता। फिर इस गेम में काफी सारे पार्ट्स आ रखे हैं, जैसे कि इसका चैप्टर 2 आया था, देन ग्रैनी 3 आया अभी कुछ महीनों पहले, लेकिन कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको चैप्टर 2 खेलने के लिए फर्स्ट पार्ट खेलना पड़ेगा, वरना ऐसे दूसरे गेम से बहुत होता है कि सपोज अगर आपको कोई स्टोरी गेम का सेकंड पार्ट खेलना है तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट खेलना जरूरी है, वरना स्टोरी समझने में इतना मजा नहीं आएगा। उधर ग्रैनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक सिंपल फंडा है कि आप घर में फंसे हुए हो और आपको वहां से एस्केप करना है। बस नए पार्ट्स में क्या होता है कि घर के डिजाइन को चेंज कर देते हैं, गेम प्ले फीचर्स ऐड कर देते हैं, नए नए करेक्टर्स ऐड कर देते हैं एंड गेम बेटर होता जाता है, ग्राफिक्स में नहीं गेम प्ले में। ग्राफिक्स ने तो कसम खा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे। हॉरर होने के साथ साथ जो सर्वाइवल गेम्स होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जैसे कि माइनक्राफ्ट, वो भी एक सर्वाइवल गेम है, काफी पॉपुलर है। बेसिकली सर्वाइवल का भी यही फंड है कि ये काफी सिंपल होते हैं, सबके समझ में आसानी से आ जाते हैं एंड काफी चैलेंजिंग होते हैं। एक बार में इस ग्रैनी को कम्प्लीट करना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, आप बताना कमेंट से कि आप में से कितने कर पाए, वैसे बहुत कम ही कर पाए होंगे शायद। फिर इसमें अपने एस्केप रूट को प्लान करना एंड जो आइटम्स मिल रही है उन्हें कैसे यूज किया जाए ये सोचना, ये सब इस गेम को चैलेंजिंग और थोड़ा पजल टाइप बना देता है जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर इस पजल को सॉल्व करके जब 5 डेज की टाइम लिमिट में वहां से एस्केप कर जाते हो तो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसका कोई जवाब नहीं, ये तो शायद आप भी समझ सकते हो। तो बस गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना और साथ ही चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।